उसने पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि रिकॉर्ड पर का आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला देसी बनावटी का पिस्तौल लेकर घूम रहा है। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को ठौरे हाई स्कूल के पास से हिरासत में लिया है। ऐसी जानकारी अजनी थाने के पुलिस निरीक्षक संदीप बुआ द्वारा दी गई है। अजनी पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुख्यात आरोपी देसी बनावटी कट्टे के साथ किसी वारदात की फिराक में परिसर में घूम रहा है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने चिमनी चौक ठौरे हाई स्कूल के पास जाल बिछा कर आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला को हिरासत में लिया है। जांच पड़ताल करने पर आरोपी से पुलिस ने 26,200 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है, जिसमें पिस्तौल कारतूस बरामद किए हैं। दिनांक 13 जून 2022 रोजी अजनी पोलीस स्टेशनचे तपास पथकाकडील पोलीस अंमलदार हंसराज यांना त्यांच्या बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की रेकॉर्डवरील आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला हा त्याच्याकडे देशी बनावटीचं गावठी पिस्तूल व राऊंड बाळगून फिरत आहे। सदर बातमीची हकीकत शहानिशा करून चिमणी चौक ठवरे हायस्कूलजवळ अजनी येथे सापळा रचून रेकॉर्डवरील आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला याला अजनी पोलीस स्टेशनच्या तपास पथकाकडील अंमलदारांनी ताब्यात घेतलं। त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्या अंगझडतीमध्ये एक देशी बनावटीचं पिस्तूल व 4 जिवंत काडतुसे मिळून आले। त्यावरून सदर प्रकरणी अजनी पोलीस स्टेशन येथे अपराध नंबर 376/2022 प्रमाणे आरोपी पर इससे पहले हुड़केश्वर अजनी बुटीबोरी मौदा में डकैती चोरी जैसे गुनाह दर्ज है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।